तो आपका एक और दिन में और एक और वीडियो में स्वागत है। एंड आज हम निकल रहे हैं धर्मशाला से बाहर, तो मतलब हमारा स्टे यहाँ पे खत्म होता है। एंड होपफुली जो भी हमने आसपास के पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं, आप लोग विजिट करोगे जब भी आओगे इधर पे, और कोई लंबी ट्रैक करनी है तो वो आपके ऊपर है। आप जैसा अपना टाइम बिताना चाहते हो वैसा आप बिता सकते हो। एंड इसीलिए हम लोग जितने जा सकते हैं उतने ही पॉइंट्स दिखा रहे हैं, जैसा हमारे को ठीक लग रहा है, हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हमारे हेल्थ के हिसाब से हम लोग वैसी चीज़ें कर रहे हैं। एंड होपफुली आप लोग को पसंद आ रही होगी। बट आज हम निकल जा रहे हैं यहाँ से डलहौज़ की तरफ, तो यहाँ से समवेयर अराउंड 117 किलोमीटर्स है। आराम से 3 घंटे 40 मिनट या 50 मिनट GPS में दिखाता है, तो साढ़े 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। बट आज तबीयत कैसी है प्रिया? तबीयत बाकी दिन से तो मेरी बेटर है, मेडिसिन ले रखा है तो शायद उसका भी असर हो, बट इट्स गुड। तो बस यहाँ से अभी निकल रहे हैं, चेकआउट हो चुका है एंड डलहौज़ी की तरफ बढ़ते हैं। एंड होपफुली मतलब वो थोड़ी बड़ी बड़ा ऐसे कह लो कि रूम्स के हिसाब से होटल है, प्राइसी भी है, बट वहाँ से व्यू बहुत अच्छा माना जाता है, तो होपफुली वहाँ से व्यू बहुत अच्छा हो जिसमें हम लोग आराम से बैठ सके, अपने रूम से व्यू को एंजॉय कर सके। बट वो जगह भी अभी देखनी है। फर्स्ट टाइम हम लोग डलहौज़ी, सो फर्स्ट टाइम हम लोग डलहौज़ी की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम लोग शिमला तक तो आ ही चुके थे पहले कुछ पहले के सालों में, बट डलहौज़ी हमारा चंबा साइड फर्स्ट टाइम है। एंड बहुत कम लोग आई गेस विजिट करते हैं इस साइड में, तो देखते हैं वहाँ की सड़कें कैसी हैं। एंड अभी तक तो जहाँ पे भी अगर हम लोग हाईएस्ट पीक में जा रहे हैं, कुछ रेयर पॉइंट्स हैं जहाँ पे रोड्स ख़राब हैं, वरना हिमाचल में रोड्स बहुत अच्छी हैं, मोस्ट ऑफ द जगहों में रोड्स बनी हुई हैं। डलहौज़ी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो अगेन इट्स अ चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ, फ्रॉम कांगड़ा टू चंबा व्हेन यू मूव फ्रॉम धर्मशाला टू डलहौज़ी। तो अभी बस बढ़ चलते हैं, अभी 1 किलोमीटर ही हुआ है हमारे हमको लिखने हुए, तो अभी कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स देखेंगे, अगर हमें कहीं पे रुकना होगा तो विल स्टॉप देयर एंड आल्सो टॉक अबाउट हाउ द रूट इज फ्रॉम धर्मशाला टू डलहौज़ी। हाँ, तो बने रहो हमारे साथ। इसके में टाइम कोई भी नहीं बता सकता आपको कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आप उस दिन कितना ट्रैफिक से जूझते हो, प्लस ऐसे रोड से जहाँ से एक बार में एक ही साइड की गाड़ी निकल सकती है, और ये रोड भी काफी पतली है जहाँ पे ट्रक्स और बसेस ट्रक निकल गए। बट कोई नहीं, कुछ ही टाइम की बात होती है। धोलाधर रेंजर्स को बाय बोल दिया है, सी ऑफ कर दिया उसको एक पॉइंट से, एंड अभी दूसरे रेंजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उधर से भी धोलाधर ही दिखता है, धोलाधर या फिर पीर करके कोई जो रेंजर्स है उधर से चेक कर सकते हैं। हम लोग को चले हुए आराम से 30 किलोमीटर्स के आसपास हो गए, और हम लोग शाहपुर करके एक जगह टाउन है या शहर बोल लो, वहाँ से गुजरे। एंड इट्स वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी लग रही है वहाँ पे। एंड जो छोटे बड़े शहर होते हैं उसकी तरह ये एरिया आता है, तो रोड भी ठीक है बट ट्रैफिक बहुत मिलेगा आपको, तो इधर टाइम लग सकता है। एंड इसके शाहपुर क्रॉस करते करते में दो रास्ते बट रहे हैं, एक राइट साइड को धर्मशाला दिखाता है जो रोड पे साइन रहता है, और एक सीधा निकल रहा है पठानकोट की तरफ। तो अभी तो GPS हमें यहाँ से लेके जा रहा है, बिकॉज दैट उस रास्ते को उसने स्लो बताया, एंड फास्टेस्ट रूट पे हमेशा GPS लेके जाता है आपको, एंड आगे से कहीं से एक राइट टर्न है, तो होपफुली ये रोड सही हो, बस यही हम लोग प्रे करते हैं। क्योंकि जब भी फास्टेस्ट रूट में GPS के थ्रू फॉलो करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता, मतलब कह लो बहुत पतली सी लेन या फिर टूटे फूटे जंगलों की तरफ से लेके जाता है, तो होपफुली इस टाइम ये ना हो एंड हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँच जाए। और चलाते हुए भी गाड़ी पे बात नहीं कर सकता हूँ मैं, कहीं रोकना ही पड़ रहा है,
बिकॉज बहुत तेज़ धूप आ रही है और सीधा सीधा यहाँ पे पूरा वाइट वाइट हो जा रहा है, तो इसलिए जब भी आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो रुकना पड़ेगा, या फिर अगर कहीं फॉरेस्ट के बीच से गुजर रहे होंगे तो तब बात कर लेंगे। तो आगे बने रहो एंड व्यूज अच्छे हैं, आप इंजॉय कर सकते हो सस्ते को और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमने अपना पहला स्टॉप लिया, थोड़ा सा लाइम्स जूस वगैरह पिया, यहाँ पे गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। होटल हेवन हाइट्स पे रुके थे फैमिली रेस्टोरेंट, ये स्टार्टिंग से ही बोर्ड आया जा रहा था, बट जब हम यहाँ पे आए तो कुछ भी खास था नहीं, अवेलेबल भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट क्या करें अभी सस्ते में एक ही मिला। तो पहले प्लेन जहाँ पे रास्ता आता है आपको मैं बताऊँ, शाहपुर क्रॉस करने करते करते आप 40-50 किलोमीटर आपको एक अच्छा रोड मिलेगा, प्लेन चौड़ा रोड मिलेगा, आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो एंड वहीं पे आपको अच्छे होटल्स मिलेंगे। अभी यहाँ से पहाड़ी रास्ता फिर से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा रोड भी ख़राब है यहाँ पे, तो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या फिर नेक्स्ट जगह पे पहुँचेंगे, वहाँ पे इवनिंग स्नैक्स ट्राई करेंगे या कहीं अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा तो। बट अभी हाफ डिस्टेंस बाकी, हाफ से थोड़ा कम एंड 1.5-2 घंटे लगेगा और घूमते रहेंगे आपको। हम लोग पहुँच गए डलहौजी एंड हमारा स्टे यहाँ से और 2.5 किलोमीटर दूर है एंड 8-9 किलोमीटर पहले से आपको ऐसी सड़क मिलेगी जिसके चारों तरफ पेड़ है, तो अच्छा लगता है इतना धूप में के बाद थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वेदर यहाँ पे दिन में भी अच्छा है, धूप है बट हवा चल रही है तो ठंडी बरकरार है। हम लोग जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ।